हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको टूटी फ्रूटी बनाना बताएंगे। ये टूटी फ्रूटी कच्चे पपीते से बनती है, लेकिन हम आपको तरबूजे से बताएंगे। आप तरबूजे के छिलके फेंक देते हो, इसका हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी। इसका पहले आप पीछे का हिस्सा आपको काटना है और छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ठीक है। देखिए, इस तरह से हमें बारीक बारीक इसको पीछे से काटना है। देखिए, इस तरह से हमें काटना है। हमने छिलकों को धो के उसे छील कर और बारीक बारीक हमने काट लिया। देखिए, ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। आप छोटे बड़े जैसे मर्जी काटना चाहें, इसे हमने अच्छे से काट लिए हैं। अब इसे हम पानी में उबालेंगे। आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने गैस पे पानी चढ़ा दिया है और इसमें हम ये तरबूजे के टुकड़े डालेंगे। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से पकाना जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। आप देखेंगे बिल्कुल इनमें चमक आ जाएगी, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद से हो जाएंगे, तो समझो ये आपका पक गया है। तब तक हमें इसे पकाना है। कम से कम 5-10 मिनट कम से कम लगेंगे इसमें। हमने आज गैस की जो फ्लेम है तेज कर रखी है। हेलो फ्रेंड्स, हमने गैस मीडियम कर दिया है और हमें 6-7 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा सा हमें और पकाना है। देखिए, अभी हो गया है, बस थोड़ा सा आपको 2-4 मिनट और इसको पकाना है। अभी अच्छी तरह से ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, बिल्कुल चमक नहीं आई है इसमें। इसे अच्छी तरह गलाना नहीं है बस। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल तैयार है। ये हमारा कम से कम 10-12 मिनट लगे हैं इसे पकाने में। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हो गए हैं। और अब गैस बंद करेंगे और इसे हम थोड़ा ठंडा करके इसे हम छानेंगे। ये देखिए, हमने ठंडा करके छान लिया है। अब हम चीनी की चाशनी बनाएंगे। ये देखिए, हमने 1 कप करीब चीनी ले लिया है। जितना चीनी लेना है उतना ही हम पानी लेंगे। ये हमने 1 कप के करीब पानी ले लिया है। थोड़ा सा हम और डाल लेते हैं, ये 2-3 चम्मच और पानी डालेंगे। और इसकी हमने बस सिरप बनाना है, हमें चाशनी बिल्कुल एक तार की नहीं बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे पकाएंगे इसे। कम से कम 5-6 मिनट और पकाना है। हम आपको मीडियम फ्लेम पे ये पकाना है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा पकते हुए मिनिमम 10 मिनट हो चुके हैं। इसे आप एक पीस खा के देख लीजिए, मीठा हो गया नहीं हो गया। यदि नहीं हुआ तो आप 1-2 मिनट और पका सकते हैं, लेकिन ये 10-11 मिनट में बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसे हम निकालेंगे। ये देखिए, हमने कटोरी में निकाल लिया है। अब इसमें हम पहले रेड कलर डालेंगे। ये देखिए, ये हमने फूड कलर डाला है। थोड़ा सा हम कलर और डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम ग्रीन कलर डालेंगे। हम 2 रंग की बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से हरा, नीला, लाल, जो भी आपको रंग पसंद है वो आप बना सकते हैं। इसे आप 1 घंटा
ऐसे ही इसे रख दीजिए फ्रिज में, थोड़ा इसमें कलर और चढ़ जाएगा, तब आप इसे बाहर निकालिए और किसी प्लेट पे आप फॉइल पे या बटर पेपर पे इसे फैला दीजिए। एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग फैलाना है और इसे फिर हम हवा में सुखाएंगे, या तो आप पंखे की हवा में सुखा दीजिए या आप इसे धूप में सुखा दीजिए। अभी हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए हमारा डेढ़ दो घंटा हमने इसे रख दिया, अच्छी तरह से इसमें कलर आ गया है। अब इसे हम छानेंगे, इसे हम इसकी जो चाशनी है इसे हम अलग करेंगे, इसमें छन्नी में हमें निकालना है। प्लेट पे फॉइल लगा लिया है या आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं और इस पर हमें फैलाना है एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग, जिसे आपस में चिपके ना, बिल्कुल अलग अलग इसको करना है। फिर से आपको सुखाना है। इसी तरीके से हमें दूसरा जो हरे रंग की टूटी फूटी है ऐसी हमें उसे भी करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने फैला दिया है। आप इसको बीच में चेक करते रहिए, तीन चार घंटे बाद इसे आप चेक करते रहिए, फिर इसे पलट दीजिए जिससे दोनों तरफ अच्छी तरह ये सूख जाए। इसको कम से कम 10-12 घंटे तो लगते ही हैं सूखने में। ये देखिए हमारी टूटी फूटी बिल्कुल रेडी है, हमने 6-7 घंटे इसे रख दिया था और ये अच्छी तरह से देखिए बिल्कुल ये सूख गई है, बिल्कुल ये रेडी है। आप इसे किसी भी केक में, किसी भी डेजर्ट में या सजावट के लिए, गार्निश के लिए आप मिल्क शेक बनाते हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, टूटी फूटी केक बनाते हो उसमें भी यूज होता है ये। और ये जो सिरप है इसका भी बहुत यूज़फुल है, इसे फेंकिएगा मत। आप कोई भी मिल्क शेक बनाते हो या बर्फ़ का गोला आपने खाया होगा उसमें ये डाल सकते हैं, इसके बहुत बहुत यूज़फुल ये सिरप है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल रेडी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।